क्या बात है, क्या बात है, ऑसम। मॉर्निंग पीपल, वेलकम बैक टू योर चैनल। माई नेम इज़ अनिरुद्ध, यू वॉचिंग अनिरुद्ध शूट्स। और अभी जो है टाइम हो रहा है, इट्स अराउंड एग्जैक्ट 4 बज रहे हैं और हम जा रहे हैं पानीकोट लेक। और हमने ऐसा सुना है कि पानीकोट लेक को मिनी लद्दाख भी बोला जाता है, और ऐसा क्यों वो हम जाके वहाँ पता करना चाहते हैं। बिफोर दैट, अगर आप इस चैनल पर नए हो, मैं आपको बता दूँ कि हम एक्चुअल लद्दाख जो है वो भी कवर करने वाले हैं विद इन अ मंथ। सो अगर आप वो जर्नी देखना चाहते हो तो सब्सक्राइब कर लेना। अपार्ट फ्रॉम दिस, let's see and enjoy some views of this mini Ladakh। तो पिछली बार हम गए थे गुड़गांव के साइड, इस बार हम जा रहे हैं फरीदाबाद की साइड। सुबह हल्की हल्की हो चुकी है और अभी जो है बदरपुर बॉर्डर का हमने मीटिंग पॉइंट रखा हुआ है। टाइम इस बार भी मैंने आधा घंटा पहले का दिया हुआ था। 5 बजे का टाइम था और 5:30 हो रहे हैं अभी। यार तो अभी हुआ ये कि फ्लाईओवर पे मैंने एक कट मिस कर दिया, जिसकी वजह से मुझे बदरपुर बॉर्डर पे उतरना था मेट्रो पे नीचे, बट मैं आगे निकल गया। तो मैंने बाकी बंदों से कोऑर्डिनेट किया कि आप लोग आगे मिल जाओ, क्योंकि आगे से रास्ता राइट को घूमेगा, तो वो लोग नीचे से आके हमें राइट की तरफ जाना है। और मैं फ्लाईओवर पे ऊपर चल रहा था, अब जाके मैं नीचे आया हूँ। क्या हो गया भाई, क्या हो गया, कैसे कट मार रहे? तो देखना सेक्टर 28 की मेट्रो कौन सी है, सेक्टर 28 की मेट्रो के नीचे हमें रुकना है। वहाँ से सारे मिल जाएंगे, हमारा मीटअप हो जाएगा कंप्लीट। तो ये रहे हमारे दो लोग, जोजो और उमर, और दैट इज़ अनुराग। और अब बस हम वेट कर रहे हैं चांद भाई का। चांद भाई शायद इधर से आएंगे। बढ़िया आ गए। चलो ओहो, अरे कट हो गया ना वहाँ से मिस। हाँ बताओ, अरे नुकसान हो गया यार, इंटरकॉम गिर गया। ये होता है ना, ये दूसरा हेलमेट का भी था ना मेरा, और मुझे लग रहा था मेरे को यहाँ नहीं लटकाना चाहिए, इसने मारा होगा झटका, टूट के निकल के ये रह गया खाली, वो गिर गया। और ये सिर्फ 2200 से 2400 रुपये का सौदा था। गिर गया, चलो कोई नहीं, आगे से कट मिलेगा जहाँ मैं आप लोगों के साथ जुड़ जाऊँगा। नहीं, इधर से आगे से भी है, निकल जाएंगे। तो भाई लोग हमें सारे मिल चुके हैं और अब हम चल रहे हैं आगे से। इनके साथ मैं मर्जर ले लेता हूँ, मर्ज हो जाता हूँ, क्योंकि ये लोग अंदर सर्विस लेन पे हैं, मुझे भी सर्विस लेन से ही आगे कट लेना है। तो हमारे पास आज 5 बाइक्स हैं, तो मैं आपको बाइक्स भी दिखाता हूँ आगे जाके। तो एक हमारे पास पुरानी वाली स्टैंडर्ड है, मैंने एक नई वाली क्लासिक 350 है, एक हमारे पास पल्सर NS 200 और उसके अलावा FG 250। लोग ज़्यादा हो तो मज़ा आता है, और स्पेशली जब सारे बंदे इंडिविजुअली चल रहे हो अपने हिसाब से, तो और मज़ा आता है। अठारह किलोमीटर और दिखा रहा है यहाँ से। और ये उमर और जोजो तो आपस में रेस ही लगाते रहते हैं, पता है पिछली बार भी ब्रह्मताल जब हम गए थे दोनों यही कर रहे थे। धूल धूल, अलग ही धूल। इंडिकेटर दिया हुआ ऑलरेडी। मेरे लिए उसने मुश्किल कर दिया यार। सारे के सारे रुक गए थे सोच के कि मैं पीछे रह जाऊं, बट एक्चुअल में मैं ट्रक के पीछे हो गया था। मज़ा आ रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है कसम से। एक तो सुबह सुबह की खाली सड़कें, ऊपर से ये मस्त
ठंडा सा मौसम यहाँ पे ना, इतना फॉरेस्ट एरिया है कि थोड़ा सा ठंडा है मौसम। अब ये दिखा रहा है यहाँ से 7.8 किलोमीटर। चली जाएगी भाई, रास्ता है ना बाइक का। थैंक यू भाई। आगे की ब्रेक मत खींचना। ये ट्रिकी रास्ता है बहुत ज्यादा, बट लुक एट द व्यू मैन, लुक एट द व्यू। क्या बात है awesome। Lovely. So we are at Panikot Lake right now, और this is the place you can see. और करीब नोएडा से जो हम आए हैं, नोएडा और गुड़गांव से अप्रॉक्सीमेटली 1 आवर के डिस्टेंस पे है ये जगह। और दिस इज़ सो ऑसम, इतना पीसफुल है, मतलब हमने इमेजिन नहीं किया था। लुक एट दिस, सो दिस इज़ सो ऑसम। और यहाँ पे आई थिंक ये जो पीछे आप सारा देख रहे हो, ये बेसिकली कंस्ट्रक्शन के लिए या फिर जो भी वर्क कंस्ट्रक्शन के लिए जो चीज़ें निकालते हैं, ऐसे मटेरियल होता है या फिर आपका घर जिससे बिल्ड होता है, वो मटेरियल यहाँ से निकाला जाता है। इसलिए ये जो जगह है ये ऐसी है। सो आज मौसम भी मेहरबान है हम पे, तो अच्छा है। नो डाउट लोग इसे मिनी लद्दाख क्यों कहते हैं, जस्टिफाइड है। तो जैसे मैंने सुबह आपसे कहा था कि एक बार हम देखेंगे चल के क्यों मिनी लद्दाख बोलते हैं। ये जो फॉर्मेशन है, जो फॉर्मेशन आप देख रहे हो पीछे कलर्स की, इतनी सेपरेशन है इन कलर्स में, अलग अलग टाइप के कलर्स हैं, तो इस वजह से शायद इसे मिनी लद्दाख कहते हैं। सो ऑसम। और अगर आपको टाइम लगता है कभी, बहुत छोटी सी राइड है, जस्ट 1 आवर सुबह अपना निकालो, यहाँ पे आ जाओ, इन्जॉय करो, पीसफुली यहाँ पे बैठो, और वर्थ है। तो आई थिंक जितने हम सिनेमैटिक्स यहाँ से इकट्ठा कर सकते हैं आपके लिए कर रहे हैं, एंड जस्ट इन्जॉय द सिनेमैटिक्स राइट नाउ। तो यहाँ तक का हमने सिनेमैटिक्स एंजॉय कर लिया, और अब हम लोग ये डिस्कस कर रहे थे कि उस साइड पे, अगर वहाँ पे आप देखोगे, ये सारा ना ऐसा लग रहा है जैसे कोई पुराना किला या कोई फोर्ट है। तो वो देख रहे हो आप, ऐसा लग रहा है कि शायद वॉल है किसी किले की। तो हम लोग अभी ये कर रहे हैं कि यहाँ से हम लोग जाएंगे और उधर जाके एक बार उस साइड का व्यू लेके आते हैं और आपको दिखाते हैं कि एक्चुअल में वो है क्या, क्योंकि हम भी बहुत क्यूरियस हैं कि वो साइड पर है क्या। लेट्स सी, चलते हैं उधर और आपको दिखाते हैं। अनुराग जो है आगे निकल गया, कह रहा है वहाँ से रास्ता है शायद,
अगर रास्ता हुआ तो वहीं से वापस चले जाएंगे, नहीं तो जिस रूट से आए थे उसी से हम चले जाएंगे जो पीछे रह गया रास्ता। तो अभी यहाँ से हमने थोड़ा सा शूट रूट कर लिया है। ये था एक्चुअल में मिनी लद्दाख, जो सुबह मैं आप लोगों से कह रहा था कि क्या ये लद्दाख मिनी लद्दाख है या नहीं, बट यार मेरे हिसाब से वर्थ है। मुझे पहले लगा था कि ऐसी हाइप बनाने के लिए लोगों ने नाम रखा है, बट जो स्ट्रक्चर है मतलब पहाड़ों का छोटे छोटे और जो मिट्टी का जो पैटर्न है कलर का वो बिल्कुल वैसा ही है। तो अब देखते हैं कहाँ जा सकते हैं। सी वाव वाव मैन वाव ऑसम कूल, मतलब फरीदाबाद में ये कुदरत नाइस यार। वैसे ये कुदरत तो नहीं है, ये आई थिंक मुझे जहाँ तक लगता है ब्लास्ट करके तोड़े गए पत्थर होंगे, ये कंस्ट्रक्शन वर्क के लिए निकाले जाते हैं, तो माइनिंग और बाकी चीज़ें भी यहाँ होती हैं। लेकिन जो जिस तरीके से लग रहा है ये पैटर्न एकदम अलग ही है, कुछ डिफरेंट है ये। तो आज के लिए वीडियो में बस इतना ही। वीडियो में क्या अच्छा लगा क्या बुरा लगा एक बार कमेंट करके ज़रूर बताना। कोई सजेशन हो तो वो भी ज़रूर कमेंट करना। और आने वाली लद्दाख सीरीज़ के लिए अगर आप देखना चाहते हो हमारे एपिसोड्स तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज, योर लव मीन्स अ लॉट। कीप वॉचिंग, कीप लविंग, कीप एन्जॉइंग एंड राइड सेफ़।